करनाल में अभी तक मलेरिया का एक भी केस सामने नहीं आया है, जबकि डेंगू के 3 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों मामलों में मरीजों की स्थिति सामान्य है। विभाग द्वारा अभी तक डेंगू के 20 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें अधिकांश नेगेटिव हैं। यह जानकारी डिप्टी सीएमओ मंजू पाठक ने दी है। उन्होंने बताया कि विभाग की 5 टीमें घर घर जाकर ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही है जहां लंबे समय से पानी का जमाव रहता है, क्योंकि मच्छर जनित बीमारियां खड़े पानी में अधिक तेजी से फैलते हैं। विभाग द्वारा अभी तक करीब 1,86,469 घरों की जांच की गई है और 2,066 घरों में लार्वा पाया गया है, जिन्हें विभाग द्वारा नोटिस भी भेजा गया है। आपको बता दें कि शुरुआत में सामान्य सा लगने वाला यह बुखार देरी या गलत इलाज से जानलेवा साबित हो सकता है। वक्त पर सही इलाज हो तो हालात कंट्रोल में रहते हैं। डेंगू मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन मच्छरों के शरीर पर चीते जैसी धारियां होती हैं। ये मच्छर दिन में खासकर सुबह काटते हैं। डेंगू बरसात के मौसम और उसके फौरन बाद के महीनों में सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूलन परिस्थितियां होती हैं। एडीज इजिप्टी मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जब कोई एडीज मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो वह उस मरीज का खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में चला जाता है। जब डेंगू वायरस वह मच्छर किसी और इंसान को काटता है तो वह वायरस उस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे वह डेंगू वायरस से पीड़ित हो जाता है। काटे जाने के करीब 3-5 दिनों के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर में बीमारी पनपने की मियाद 3 से 10 दिनों के ही हो सकती है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। मैम, मैं कुछ जानकारी हासिल करना चाह रहा था। इस मौसम में मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी जो मच्छर जनित होती हैं वो अक्सर फैल जाती हैं, तो डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक ऐसी कोई एक्टिविटीज़ की गई हैं जिससे इनका रोकथाम किया जा सके? डिपार्टमेंट की लगातार एक्टिविटी चल रही है, जिसमें 5 टीम्स बनाई गई हैं जो हाउस टू हाउस जाकर कहीं भी वाटर कलेक्शन है तो वहाँ पर जाकर दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, या घरों के अंदर जाकर उनके कूलर्स जो हैं वो खाली करवा रहे हैं, और गमला कहीं पे भी वाटर कलेक्शन है तो वहाँ पे वो चीज़ें खाली करवा रहे हैं। अगर किसी के घर में लार्वा मिलता है तो वहाँ पे उनको नोटिस दिया जाता है। मैम, अभी तक मलेरिया कितने केस सामने आ चुके हैं? मलेरिया का अभी इस सीज़न में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है। और डेंगू के? डेंगू के 3 केस पॉजिटिव हैं। और टोटल सैंपल्स में? टोटल 20 सैंपल्स लिए गए हैं, टेस्ट किए गए हैं डेंगू के लिए, जिनमें से 3 पॉजिटिव हैं। मैम, अभी तक कितने घरों को जाँचा गया होगा? अभी तक हमने कुल टोटल मिलाकर 1,86,469 घरों में चेकिंग की है और 2,066 घरों में लार्वा। तो उनको सबको नोटिस दिया गया? उनको सबको नोटिस दिया गया। मैम, पहले प्लान ये भी होता था कि अगर नोटिस के बाद दोबारा भी लार्वा मिलता तो उनका चालान काटा जाता। हमने चालान पे लिखा हुआ है। अभी तो सिर्फ सिंपल चालान दिया, अगर उनको बोला गया है, नोटिस दिया है, और अगर नोटिस पे यही लिखा हुआ है कि अगर आपके घर में दोबारा लार्वा पाया गया तो फिर फाइन। तो मैम, ये जो एक्टिविटीज हैं वो कब तक चालू रहेंगी? JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।